हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस। तो भाई लोग आ गए हूँ आप लोगों के लिए टिकटॉक का न्यू ट्रांजेक्शन VFX वीडियो लेके, जो कि टिकटॉक पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये वीडियो आपको भी बनाकर टिकटॉक पर अपलोड कर देना चाहिए। तो चलिए गाइस, मैं आपको सिखा देता हूँ कि आखिर आप ये वीडियो कैसे बनाओगे। साथ ही में मैं आपको काइन मास्टर का कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखना। तो यार, वीडियो को बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करना है, और काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको गाइस ये वाला फ्रेम चूज़ कर लेना है, और ये वाला फ्रेम चूज़ करने के बाद मीडिया का ऑप्शन यहाँ पर आपको सीधा दिख जाएगा। तो यहाँ पर मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, और मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक किसी भी कलर का आपको बैकग्राउंड ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लेके उसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अब आना है आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे, और स्टार्टिंग पॉइंट पे आने के बाद आपको लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिखेगा लेयर, इस पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है मीडिया वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर जाने के बाद आपको एक अपनी एक फ़ोटो ले लेनी है, मतलब फुल फ़ोटो, जो आपकी अच्छी फ़ोटो आपके हिसाब से होगा वो फ़ोटो लेके हल्का सा जूम कर लेना है। और जूम करने के बाद उस फ़ोटो को आपको करना है क्या है, उसका साइज़ बढ़ा के ये जो बैकग्राउंड है इसके बराबर कर लेना है लास्ट तक। अब आपने जो फ़ोटो ऐड किए, जैसे ये फ़ोटो मैंने ऐड किए, तो आपको अब इस फ़ोटो में फ़िल्टर लगाना है। तो इसी वाले फ़ोटो लेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हमको शो होंगे। तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा कलर एंड फिल्टर का, जैसे कि आप देख रहे हो ये कलर एंड फिल्टर वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। और कलर फिल्टर ऑप्शन पर क्लिक करके वार्म का एक आपको ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर जो पाँचवा नंबर का फ़िल्टर है ये आपको कर देना है, क्योंकि जो वीडियो आप बना रहे हो, मतलब जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें यही फ़िल्टर यूज है, तो आपको ये फ़िल्टर अपने फ़ोटो पे लगा देना है, पाँच नंबर वाला। अब हमारे फ़ोटो पे ये फ़िल्टर हो गया है। अब हम क्या करेंगे, आएंगे अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे। आप देख सकते हैं ये वीडियो है, हम स्टार्टिंग पॉइंट पर आ चुके हैं। स्टार्टिंग पॉइंट पर आने के बाद आपको लेयर पे क्लिक कर रहे हैं। लेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखेगा मीडिया का ऑप्शन, फिर से हमको मीडिया वाले ऑप्शन पर आना है, और अब हमको एक वीडियो ऐड करना है जो कि मैंने एडिट करके आपके लिए इस वीडियो को रखा हुआ है। तो आपको सिंपली इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। इसका जो डाउनलोड लिंक है आपको मिलेगा मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले मैं इस वाले ऑप्शन पे बॉक्स पे क्लिक करके इस वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ, उसके बाद इस वीडियो को आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये वीडियो कुछ ऐसा है, मैंने इसमें बीच बीच में ग्रीन स्क्रीन एडिट किया हुआ है ताकि आप आसानी से अपना फ़ोटो लगा सको, इसीलिए मैंने इसमें ग्रीन स्क्रीन ऐड किया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हो। अब आपको क्या करना है, ये जो हमने बैकग्राउंड लिया था, हमने इसका साइज़ बढ़ाया था, तो यहाँ पे इस बैकग्राउंड का साइज़ हमको और बढ़ाना है ताकि जो अभी हमने वीडियो ऐड किया था उसके बराबर हो जाए। तो ये इसके बराबर हो गया। अब हमको फ़ोटो का बराबर करो या ना करो, पर ये आप बैकग्राउंड को बराबर कर लेना वीडियो के। अब यहाँ तक हो गया, मतलब अब जहाँ पे इस वीडियो में ग्रीन स्क्रीन वाला पार्ट है उस वहाँ पे जाना है, और वीडियो पे लेयर पे क्लिक करके क्रोमा की वाले ऑप्शन पर जाना है, और यहाँ पे हम इसको की कलर चूज़ करेंगे, और की कलर आपको रखना है ग्रीन कलर, क्योंकि आपको ग्रीन कलर हाइड कर देना है तभी आपका फ़ोटो दिखेगा। तो ग्रीन कलर रख के हम इसको इनेबल कर देंगे, और इनेबल करते ही यहाँ पे आप देख सकते हो आपका ग्रीन कलर हाइड हो चुका है और फ़ोटो दिख रहा है, मतलब जो फ़ोटो हमने स्टार्टिंग में लगाया था वही फ़ोटो आपका दिखने लगेगा। तो यहाँ तक का तो आपका वीडियो अभी कंप्लीट हो चुका है, मतलब ये वीडियो आपका पूरा बन चुका है, एकदम कंप्लीट प्रॉपरली आपका वीडियो बन के कम्प्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं काइन मास्टर की सेटिंग की। तो यहाँ पे बहुत लोगों को काइन मास्टर में मतलब प्रॉब्लम आता है, लेयर में दो तीन लेयर ऐड करते हैं तो नहीं होता है, लाइनिंग आ जाता है, और प्लस यहाँ काइन मास्टर में क्या होता है, मतलब बोलते हैं भाई काइन मास्टर लिख के आता है उसको हम कैसे हटाएं। तो यार सिंपली आपको क्या करना है, मेरा वाला जो काइन मास्टर है उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार मेरा वाला डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लो, अपना वाला काइन मास्टर अनइंस्टॉल कर देना, मेरा वाला इंस्टॉल कर लेना। तो यहाँ पे आपका जो काइन मास्टर लिख कर आता है वो नहीं आएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब मैं बताता हूँ ये वीडियो आप सेव कैसे करोगे। तो इस वीडियो को सेव करने के लिए यहाँ साइड में एक शेयर का ऑप्शन बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद क्या होगा, हमारा वीडियो मतलब सेव होने लगेगा। तो अभी हम बताएँगे काइन मास्टर के कुछ सेटिंग,
उसके पहले यार अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो यार लाइक कर दो, मतलब लाइक बटन को ब्लू कर दो, सब्सक्राइब बटन को ब्लैक कर दो, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी कर देना। अब मैं बैक आ जाता हूँ, और यहाँ पे आपको एक आइकन दिखेगा सेटिंग का, पूरा बैक आने के बाद इस पर क्लिक कर रहे हैं सेटिंग वाले ऑप्शन पे, और ऑप्शंस में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, आपको सबसे नीचे जाना है, और यहाँ पे आपको दिखेगा एडवांस एंड एक्सपेरिमेंटल सेटिंग। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू एनी वे कर देना है, और यहाँ पे ये जो लास्ट का चार ऑप्शन आप देख रहे हो इसको आपको इनेबल कर देना है। तो आपके में ये डिसेबल रहेगा, आप इनको इनेबल कर देना। पहला है अनलिमिटेड वीडियो लेयर मोड, मतलब आप यहाँ पे अनलिमिटेड वीडियो लेयर वाला जो वीडियो ऐड करते हैं वो ऐड कर सकते हो, और भी अच्छे अच्छे यहाँ पे ऑप्शन है। ये चारों ऑप्शन आपको ऑन कर देने हैं तो आपका जो काइन मास्टर है वो प्रॉपरली आप बहुत सारे यहाँ पे लेयर ऐड कर पाओगे। तो यार ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर।